हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु क्रिएटिव आर्ट क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेपर से ये फ्लावर्स बनाने सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने विद स्टिक बनाया है, ये विदाउट स्टिक है। इसको आप कहीं भी डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने स्पार्कल भी यूज़ की है, आप चाहें तो इसमें भी सिंपल वाले में भी स्पार्कल यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, आप जो मर्जी इसमें से बना सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है A4 साइज की शीट। अब मैं इसे हाफ फोल्ड कर दूंगी शीट को। फैन तो सबको बनाना आता है ना, कि हम फैन कैसे बनाते हैं। हमें इसे फैन फोल्ड ही करना है। मैं इसे ऐसे इसलिए फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि इससे इक्वल होता है। पहले मैंने हाफ किया, हाफ को फिर हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद फिर दोबारा मैं इसे हाफ फोल्ड कर रही हूँ। इसे हमारा इक्वल बनते हैं फैंस। नेक्स्ट, फिर सेकेंड पार्ट जो हमने इसको हाफ किया था उसे हाफ। अब मैं इसे खोल के एक ही साइड से फोल्ड करूंगी। अब हमारे पास लाइंस बन गई हैं, अब हमें फोल्ड करने में इजी होगा। आपको भी ऐसे ही इसे फोल्ड करना है, इससे आपको फोल्ड करना बहुत ही इजी हो जाता है। और आपका फैन इक्वल फोल्ड्स वाला बनेगा। ये देखिए, ये हमारा इक्वल फैन हो गया। अब इसे मैं ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे हम। ये देखिए, ये सेंटर है। अब मैं इससे स्टेपलर से इसके सेंटर में इसको टाई कर दूंगी ताकि ये खुले ना। अब ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब मैं इस पर आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसमें एक लीफ की शेप बना दी। फिर इसे हम सीजर से कट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको भी लीफ की शेप बनानी है, आपको जो अच्छी लगती है आप वो शेप कर सकती हैं। अब इसमें रख के दूसरी साइड पेंसिल से सेम डिज़ाइन का मार्क लगा लेना। और फिर आपको इसको कट कर देना है। ये देखिए, ये हमारी कट हो गई है। अब हम इसे यहाँ से, आप चाहें तो इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, पर पेस्ट में ये है कि आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर स्टेपलर ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है तो आप फेविकोल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने टू स्टेपलर पिन से इनको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको इसको ऐसे खोलना है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है।
ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब ये मैंने थोड़े से सर्कल्स, हम ये वाला फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको, तो इसमें हमें ज़्यादा सर्कल्स की ज़रूरत है। अगर आपको सिंपल फ्लावर बनाना है ऐसे वाला, तो सिंपल इसमें एक ही हम इसको फेविकोल की सहायता से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने पेस्ट कर दिया है, ये अब आपका ऐसे सिंपल वाला फ्लावर बन गया। अब मैं आपको स्टैंड वाला बताती हूँ, तो उसके लिए मैंने एक पिंक कलर का भी कटिंग की है, उससे स्मॉल सर्कल इसको इसके सेंटर में पेस्ट करेंगे, देन अगेन स्मॉल सर्कल। ये देखिए, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम इसकी स्टिक बनाते हैं। स्टिक के लिए मैंने A4 साइज की शीट को हाफ कट कर लिया है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टिक बनाना सिखाया था फ्लावर की, सेम वैसे ही इसकी स्टिक आपको प्रिपेयर करनी है। हम यहाँ से फेविकोल से पेस्ट कर देंगे। अब हम इसकी बैक साइड पे इसको जॉइंट करेंगे स्टिक को। इसके लिए मैंने एक और सर्कल कट करके रखा है, इस पर फेविकोल लगा के हम स्टिक पे भी फेविकोल लगाएंगे, ताकि अच्छी तरह से ये इसके साथ पेस्ट हो जाए। और ऐसे इसे प्रेस कर देना है। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो ये जॉइंट नहीं होगा। और यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा फेविकोल लगा देना है इसे इसके साथ जॉइंट करने के लिए। ये देखिए, हमारा ये इसके साथ अच्छी तरह से चिपक गया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने इस वाले फ्लावर में स्पार्कल यूज़ किया है, तो आप स्पार्कल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिना स्पार्कल के बनाना है, तो आपको ये बिना स्पार्कल के भी बन सकता है। अब मैं इसमें एक बार आपको स्पार्कल कैसे यूज़ करनी है वो भी बता देती हूँ कि मैंने कैसे स्पार्कल यूज़ की है। इसमें मैंने पहले सेंटर में एक डॉट लगाई है, फिर ये साइड्स में आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने सर्कल्स पे ऐसे डॉट्स लगाई है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप कोई स्टोन्स भी यूज़ कर सकते हैं इसे लगाने के लिए। सारी तरफ स्पार्कल लगाने के बाद ये स्पार्कल से यहाँ पे मैं इसकी बाउंड्री बना देती हूँ। ये देखिए, और यहां से स्पार्कल्स की लाइन, और यहां पे इसकी भी आउटलाइनिंग फ्लावर की स्पार्कल के साथ। ये देखिए, स्पार्कल की लाइन पे भी किया और ये आउटलाइनिंग भी मैंने कर दी है। ये देखिए, मैंने ये सारा के सारे स्पार्कल से कंप्लीट कर दिए हैं। स्पार्कल से शाइनिंग आ जाती है फ्लावर में। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको इसमें डॉट्स लगानी है तो आप इसको डॉट्स भी लगा सकते हैं।
स्पार्कल यूज करके ये और ज्यादा अट्रैक्टिव लग जाता है। ये देखिए आपका फैन या फ्लावर प्रिपेयर है। अब इसे दोनों साइड से हो सकता है। इसमें मैंने क्या किया, इसकी बैक साइड यूज की है और इसमें ये वाली यूज की है मैंने, और ये वाला फ्लावर मैंने इसका फ्रंट बनाया है। यानी कि आपके टू टाइप से फ्लावर बन सकते हैं दोनों साइड से। और आप अगर सिंपल फ्लावर भी बनाना चाहते हैं तो सिंपल फ्लावर्स भी बना के कहीं भी डेकोरेशन कर सकते हैं इसकी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।